हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट माई क्लाइंट्स मेकअप आर्टिस्ट एंड अबाउट दिस इंडस्ट्री. लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप जो मर्जी आए बोलते हो, क्लाइंट्स के बिहेवियर के बारे में बताते हो. सो आई थॉट लेट्स टेक दिस प्रोफेशनली एंड वॉट बेटर देन हैविंग कॉन्वर्जेशन विद एटिकेट कोच, अ पर्सन हु टेल्स हु गाइड्स अस टू बी हाउ टू बी माइंडफुल ऑल द टाइम. सो आज मेरे साथ हैं ऐसे एक बहुत ही अमेजिंग सी कोच, एटिकेट कोच मानिक कौर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी समीक्षा. यू मोस्ट वेलकम. सो मानिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आप ये मेकअप इंडस्ट्री जो हमारी है इसको किस तरीके से देखते हैं, बिकॉज हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को आती है स्पेशली कि यू नो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं और जब वो जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हमें मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो पेरेंट्स आर लाइक कि ये क्या प्रोफेशन है, ये क्यों करना है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग का कोर्स करो. तो आप इस प्रोफेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? सो समीक्षा, आई एम सो ग्लैड यू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज येस इट्स ट्रू दैट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स अभी भी ये सोचते हैं दैट मेकअप आर्टिस्ट होना अपने आप में एक करियर नहीं है. करियर नहीं, मे बी शौक के लिए आप कर लो, लेकिन बहुत से लोगों को अब ये नहीं पता दैट इट्स अ फुल फ्लेज्ड करियर ऑप्शन, फॉर द रीजन दैट पेरेंट्स बिलोंग टू अ जेनरेशन जहाँ पे यहाँ इतनी अवेलेबिलिटी या इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस करियर ऑप्शन को लेकर. पहले ऐसे मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते थे इंडिया में एज प्रोफेशनल्स, एंड राइट नाउ इट्स वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन इफ़ यू आस्क मी, बिकॉज ए इट्स अ स्किल बेस्ड ऑप्शन जिसमें ये है कि आप लोगों के से तो यू नो यू आर चार्जिंग मनी फॉर योर स्किल, इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर सेल्फ, यू नो इट इज़ समथिंग a profession where you can you know benefit yourself also. Correct. Something like being a trainer, right. You are also educator, keeping fit. Yes. Yeah, you're yeah. keeping fit as right. well as you're helping right. you know other people stay fit. So I think that way it's a very win-win career. And slowly and steadily I think people are also realizing that it is a great career option. And secondly I think ek to obviously lack of awareness hum parents ke बिहाफ पे कह सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए उनको ऐसा लगता है हाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में या नॉलेज नहीं है या उन्हें लगता है कि छोटा प्रोफेशन है, इससे ये करके कहाँ लाइफ सेट हो जाएगी. ट्रू, बिकॉज उनके टाइम में ऐसा नहीं था. राइट. सो दैट्स वन रीजन. एंड सेकेंड आई थिंक कुछ सोसाइटल प्रेशर्स भी होते हैं, राइट, बिकॉज पेरेंट्स आर स्टिल ओल्ड स्कूल और उनको लगता है कि ये सब चीजें इतनी इम्प्रेसिव साउंड नहीं करती जैसे कि स्टीरियोटिपिकल दूसरे करियर्स करते हैं, डॉक्टर एंड इंजीनियर करते हैं. लेकिन आई एम श्योर अब ये यू नो माइंडसेट चेंज हो रहा है एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड फील्ड टू बी इन एंड आई थिंक इट हैज ग्रेट स्कोप एंड दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल आर ऑप्टिंग फॉर इट नाउ. राइट मानिक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि हम लोग जब क्लाइंट के साथ जब मेकअप आर्टिस्ट डील करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें क्या है, अगर जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेमेंट्स को लेकर, क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हैं सबसे पहले उनको चाहिए कि यू नो आप डिस्काउंट क्या दोगे या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ है क्या मैम, तो ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग यू नो अवॉइड कर सकते हैं या क्लाइंट को किस कितने बेटर तरीके से बता सकते हैं कि उनको फील भी ना हो, कई बार हम भी बोलते बोलते रूड हो जाते हैं बिकॉज इतने क्वेश्चन वो सामने से पुट करते हैं, तो कैसे किस तरीके से हम लोग ये बात क्लाइंट को समझा सकते हैं कि नहीं वी आर प्रोफेशनल्स और हम लोग प्रोफेशनल की तरह ही काम करते हैं. दो बातें हैं इसमें फ्रॉम बोथ क्लाइंट साइड एंड द मेकअप आर्टिस्ट साइड. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द क्लाइंट साइड आई वुड से दैट इंडिया इज अ वेरी प्राइस कंपेटिटिव मार्केट इफ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट इंडिया. एंड इंडिया में एक ही डिस्काउंट माइंडसेट जैसे आपने बोला, वी आर इंडियंस एंड वी नीड डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड फ्री क्या है और इसके साथ हम क्या कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, क्या ऑफर्स दे रहे हैं, that's a very big concern. And to be honest, it's a worldwide strategy. Marketing strategies में ही आता है ये. You know, आप कोई भी profession में हो, कोई भी service दे रहे हो, जब आप उसके साथ कोई freebie लगाते हैं या कुछ complimentary लगाते हैं, definitely it's like, I've been to a business school, this is the first thing we are taught. Like, if you want to do business, you need to do know how to do sales. And if you want to do sales, you have to make it attractive. सो हमें एक स्टिग्मा जो है इस चीज़ का निकालना पड़ेगा माइंड से एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज अगर आप क्लाइंट की जगह पे होगे, आप कहीं पे जाओगे, आप भी ये एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे कुछ ऑफर में मिल जाए, चाहे यू नो इट शुड बी अ गुड डील एंड लेट्स अग्री एवरीबडी लाइक्स टू पे लेस, डील कैन बी डन, बट आई गेस जो लोग बोलते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप दे दो, कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप यू नो लाइक मतलब फ्री का काम,
ठीक है. एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट अपनी स्किल्स डालता है जब आप कोई फ्री का काम कर रहे हो. एग्जैक्टली. सो वही बात है दैट कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली दैट फ्रॉम क्लाइंट साइड दिस इज देयर माइंडसेट. राइट. बट यस डोंट लाइक पुश इट टू अ लेवल वेयर इट अफेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर. लाइक जिसमें जितना काम इन्वॉल्व है आप उसका पैसा बनता है जितना वो तो देना मतलब यू कांट नेगोशिएट ऑन दैट. उसमें आप नेगोशिएट करना गलत है क्लाइंट के पार्ट में. आपकी बिल्कुल बात ठीक है दैट मेकअप आर्टिस्ट को ये समझाना कैसे समझाएं क्लाइंट को कि यू नो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग फॉर. सो देयर इज अ वे फॉर इट दैट व्हेनेवर यू आर ऑफरिंग अ सर्विस यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट इन्वॉल्व्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं. आप अगर आप एक एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो उसको आप जस्टिफाई करें कि मैं इस ब्रांड का मेकअप यूज कर रही हूँ आपकी स्किन के ऊपर विच इज सो प्रेशियस फॉर यू फॉर सो प्रेशियस फॉर मी एज अ मेकअप आर्टिस्ट. तो मैं आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ. आपको बेस्ट क्वालिटी मेकअप दे रहे हैं हम एंड दिस इज हाउ यू नो थिंग्स आर गोइंग टू कम आउट वंस द मेकअप इज डन. गिव देम अ ब्रीफ एंड देन लेट देम डिसाइड rather than haggling or rather than you know bargaining and haggling which is very which is not dignified. So hum simply ye bolenge ki ye package hai isme hum aap zarur kuch chota sa complimentary daliye anything because it could see, be this hair, is a strategy lino it could be lashes anything right. So small jo aapko lagta hai aap easily accommodate kar sakte hain package mein aap wo dal dijiye usse client bhi khush hai और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड ओवर एंड अबव दैट इफ द पर्सन इज गोइंग ऑन बार्गेनिंग और हैगलिंग विद यू और इज नॉट कन्विंस्ड देन यू जस्ट लीव इट टू दैट बट पोलाइटली जस्ट से दैट इट्स आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम. आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर बजट बट दिस इज वॉट आई कैन ऑफर यू द बेस्ट. सच ए लवली आंसर माने क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने साथ खुद ही रियलाइज़ किया है इस चीज़ को कि जनरली क्या होता है जब क्लाइंट आता है तो मेरे को तो हमेशा बोला जाता है कि आप बड़े महंगे हो आप बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो. हाँ. तो और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि वो दूसरा कोई मेकअप आर्टिस्ट या वो कोई दूसरा सलोन वाला तो मैम इतना ले रहा है. हाँ. तो पहले मैं क्या कर रही थी मैं बोलती थी कि तो मैम आप उन्हीं से करवा लो. तो आई गेस मुझे भी बाद में फील हुआ है थोड़ा सा रूड आंसर है कि आप उन्हीं से करवा लो. राइट राइट. अच्छा एक 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 प्रॉब्लम हम लोग को ये भी आती है कई बार क्लाइंट थोड़े से पर्सनल हो जाते हैं. राइट. और जब क्लाइंट पर्सनल होता है कई पर्सनल होने के भी कई तरीके होते हैं. देखो कई बार जब डिस्काउंट मांग रहे हैं वो तो बोलेंगे हमें उन्होंने भेजा था मेरी उन फ्रेंड का मेकअप आपने किया था मैम यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री कर दो. कई बार क्लाइंट इस तरीके से पर्सनल होते हैं कि यू नो आप फोनिक कॉन्वर्जेशन में हो तो यू नो यू कैन मेक एक्सक्यूजेज कि ठीक है विल डिस्कस लेटर ऑन और हम लोग जब आपका मेकअप करेंगे. बट उस टाइम पर जब हम मेकअप कर रहे होते हैं ब्राइड अपना डिस्कशन करती हैं कि यू नो अबाउट देयर पर्सनल लाइफ तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करें. उन ये भी नहीं कर सकते उनके साथ कि नहीं हमें नहीं सुननी आपकी बात उस समय क्योंकि वो इतने सारे इमोशंस के साथ होती है ब्राइड उस टाइम पे. तो एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कंफर्ट फील करवाया जाए. तो ये सब चीज़ें कैसे अवॉइड की जाती है कि हम बहुत ज़्यादा यू नो पर्सनल उसमें भी जब घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जो काम है वो Here and there होता है. I totally understand आप क्या कहना चाह रहे हैं एंड आई थिंक यू नो सबसे बड़ी बात जो मैंने एज अ कोच अंडरस्टैंड किया एंड इवन इन लाइफ इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक लेस. इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन कम बोलना हमेशा अच्छा रहता है. आप उस सिचुएशन में कम से कम एंगेज कीजिए. कीप स्माइलिंग मेंटेन अ पॉजिटिव डिमीनर. आपको जैसे कई बार हम लोग एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं परेशान लगने लग जाते हैं कोई अपनी बात कर रहा है एंड वी आर गेटिंग वेरी एजिटेटेड कि क्यों बोल रहे हैं ये सब क्यों बोल रहे हैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुझे क्या मतलब आप अपनी पर्सनल बातें कर रहे हो. कभी कभी बिकॉज हम भी इंसान हैं इवन दो वी आर प्रोफेशनल्स बट इट स्टार्ट्स शोइंग ऑन आवर फेस. सो इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन दैट सो मच या उसके साथ इतना इन्वॉल्व होने से अच्छा ये रहता है कि आप काम रहिए बिल्कुल काम रहिए उनको बोलने दीजिए वो जो बोल रहा है सामने से जो भी बोल रहे हैं ब्राइड्स हैं दे आर गेटिंग इमोशनल. यस प्लीज लिसन टू देम विद ऑल योर हार्ट बिकॉज सबसे बड़ी बात है अगर कोई इंसान आपके पास कंफर्टेबल फील करता है वो आपको ज़्यादा पे करके भी आपके पास ही आएगा. क्योंकि कम्फर्ट कम्स फर्स्ट. किसी के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो दैट पर्सन कैन बी द टॉप मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री. Right. But you will not go to that person. But somebody else who's nice to be with,
यू आर कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, जहाँ आपको लगता है आपकी रैपो है अच्छी बन रही है, आप उस इंसान को ट्रस्ट करेंगे. सो आई थिंक बिल्ड ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू पुट इन वन थिंग दैट आई अंडरस्टैंड, स्पेशली इन इंडिया वी आर इमोशनल पीपल. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ ब्राइड इज डीलिंग विद, you know, before her big day. Right. There are so many things. So she has anxiety. She has insecurities. She has relatives ka pressure. She has ghar walon ka pressure. Aise mat ban ke aa jana. Aise mat taiyar ho jana. Aur sara bride ne apne, you know, सारा भार जो होता है ना अपने ऊपर लिया, वो इवेंट वाले को मैनेज कर रही है, वो पापा ने कपड़े पहन लिए नहीं किए, मम्मी ने पहन लिए, ये सब चीजें मैनेज कर रही है, तो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में होती है. तो डेफिनेटली उस टाइम आप उसको रिलीव करिए, आप उसको रिलीव करिए, मेक श्योर दैट शी कैन ट्रस्ट यू कम्प्लीटली. एंड ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल इन एनी फील्ड, नॉट जस्ट बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट बट एनी फील्ड, आई फील दैट यू हैव टू रियली रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स प्राइवेसी. यू नो, आपको क्लाइंट की प्राइवेसी का बहुत ख्याल करना चाहिए कि आप किसी और क्लाइंट को बोलो पिछली बार वो जब मेरे पास आए थे तो उसका ये हो गया था, उनके साथ वो हो गया था. नेवर टॉक अबाउट वन क्लाइंट टू द अदर क्लाइंट, राइट, इवन इफ दे आर नॉट रिलेटेड, इवन इफ दे आर नॉट कनेक्टेड, इट्स नॉट गुड एथिक्स. बिकॉज जो आपकी बात सुन रहा है उस वक्त तो ठीक है, और शी इज एंजॉयिंग दैट कॉन्वर्सेशन, लेटर ऑन that person might think yaar meri baat bhi to wo kisi aur ko kar, right, so I think it's very important to maintain a calm demeanor, listen and hear out the person completely, unko kya actually chahiye us apni look se, and what are they scared of, because I'm telling you I would want to bring this up, because maine dekha hai bahut sari brides taiyar hone ke baad kuch bilkul kuch aur lagti hain. Who they are not. They are just not that. And the groom also feels that this is not she much. Gets ready on the function day, and later on when the groom meets the girl, he says, this is not the girl I saw that day. This is, you are looking very different now, which is such a blow to one's you know, I would say self-respect. So I think it is important that हम ब्राइड्स को ट्रांसफॉर्म करने में ना बिलीव करें, बट आपने उनकी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर दी है, एग्री, और उनको हम इनहांस करें, नॉट ट्रांसफॉर्म. माने नो ब्राइड वांट्स नाउअडेज कि उनको बहुत ही जटाक पटाक मेकअप चाहिए सबको, यू नो, ब्राइड मेरे पास चेयर में बैठती है लाइक समीक्षा बहुत सटल होना चाहिए, समीक्षा ऐसा ना हो कि पूरा मेरा दूल्हा ही नहीं पहचान पाए कि वही लड़की है नहीं है, ये जनरली होता है. और मैं भी देखती हूँ कि कई बार जो जो लड़की सामने बैठी होती है चेयर पे और जब उसकी पिक्चर्स आती है कम्प्लीटली अलग होता है. तो आई गेस इस चीज़ पे मैं मेकअप आर्टिस्ट को बोलूँगी, पूरा कुछ लोग इतने फिल्टर्स लगा देते हैं कि आप नहीं समझ पाते, आपने लिप्स अगर सटल हैं, आपने उनके फिलर्स लगा दिए लिप्स में, आईज आपने कुछ और कर दी, तो अगर आप आजकल के टाइम में देखोगे तो कोई भी ब्राइड नहीं चाहती कि यू नो, बट बीच में दे आर वेरी एक्सपेरिमेंटल विद आउटफिट, दे आर वेरी एक्सपेरिमेंटल विद ज्वेलरी, दे आर वेरी एक्सपेरिमेंटल विद हेयर, बट फेस में हर किसी को बहुत सटल चाहिए. ओके, आई एम ग्लैड यू टॉक्ड अबाउट दिस, बिकॉज आई टेल यू व्हाट आई हैव बीन सीइंग, आई एम ग्लैड दिस शिफ्ट इज कमिंग, बिकॉज एक पॉइंट ऐसा आ गया था वेयर द मेकअप आर्टिस्ट वर पुटिंग बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, यस, ओके, एंड दे वर ऑल्सो शोइंग द बिफोर मेकअप लुक ऑफ अ गर्ल, मैंने ऐसा कर दिया, और मैंने इसको ऐसा कर दिया, जिसमें क्या हो रहा था, बहुत थिक लेयर ऑफ फाउंडेशन होती थी, यस यस, वेरी वेरी थिक, एंड इफ अ गर्ल इज डस्की, जबरदस्ती उसको वाइट कर दिया है, मतलब लाइक फेयर कॉम्प्लेक्शन कर दिया है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट दोस थिक आईलैशेस, वेरी थिक आईलैशेस, व्हिच आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन हैव नेचुरली इन दिस वर्ल्ड, यस, लाइक इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, एंड इट लुक्स सो ऑब्वियसली इट डजंट लुक एस्थेटिक, बट ऑल दोस थिंग्स वर प्रेवलेंट. आई नो सो मेनी गर्ल्स हु आर वेरी सिंपल एज अ पर्सन, सिंपल इन टर्म्स ऑफ दे आर नॉट, they are very, they're totally non flashy in everyday life, they like subtle, they are they have a very subtle kind of a personality and liking, but they say ki nahi bride banna hai to bride wale din to we'll have to go all out, but it's not me. So I think as a makeup artist it's important to understand the needs of a simple girl also. If she wants it subtle, the whole look should be subtle, and should be her, because only then her best of her personality will come out, like best of her confidence will come out, otherwise she'll be very uncomfortable. So I know girls who
लाइक फॉर इंस्टेंस आर नॉट कंफर्टेबल विद हील्स, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम हील्स पहनी होती हैं, एंड दे आइदर गो फॉर दोस ब्लॉक हील्स और इवन स्नीकर्स. दीस डेज यू सी दैट लहंगे के नीचे भी गर्ल्स आर वेयरिंग स्नीकर्स. सो आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड टू लेट द गर्ल्स बी हु दे वांट टू बी राइट एंड project themselves accordingly. So I think these are the things that आपके जो अपने स्किन है उसमें प्लीज कंफर्टेबल रहें. ओवर लेयरिंग करने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू नो आप किसी भी कमी को ब्लर आउट कर सकते हो, कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते. इवन क्लाइंट भी ऐसे होते हैं, हम लोग तो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के, लेकिन क्लाइंट भी ऐसे होते हैं लाइक कि आप मेरी जॉ लाइन हटा दो, तो कॉन्टोरिंग करके आप यू नो सिर्फ थोड़ी छोटी मोटी शेडोज को क्रिएट कर सकते हो. बट वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट सर्जन, है ना, कि आप पूरी तरीके से मेरे को तो वर्कआउट करो आप उसके लिए, अच्छा खाओ आप उसके लिए, अपनी डाइट को अच्छा रखो, सुबह उठो, योगा करो, बट सब कुछ मेकअप आर्टिस्ट नहीं कर सकता. और आजकल यू नो मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे लगता है ये ट्रेंड सेट कर दिया, हम सब कुछ कर लेंगे, तुम्हारी जॉ लाइन निकाल देंगे, यू नो इस तरीके से मेकअप देते हैं. तो आई गेस ये जो ट्रेंड है वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है. आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखेंगे, सेलिब्रिटीज लाइक उनको बहुत सटल मेकअप. आज अभी आपने देखो कियारा एडविन ने शादी की है, उससे पहले कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत सटल मेकअप के. और बिकॉज आई थिंक रियल इज अट्रैक्टिव. Yes, 100%. If you're keeping it realistic, in fact, a lot of people ask me about treatments. Say like these Botox, yeah, cosmetic treatments and plastic surgeon, surgery se related jo treatments hote hain. I think it's a very personal choice. There is no taboo attached to it. And why not? But I mean, it's okay with people who are okay with it. Right, right. It's not for everybody. But at the end of the day, it cannot replace something which is natural. Right. You have to understand that. Like even aapke paas agar makeup artist ke paas bhi agar koi aa raha hai, aap help, like you said, you can help look better. You can help make things look better. Yes. But you can't completely change it or alter it. So I think that has to be understood. And one thing I really feel that aajkal you know society has started for the better, you know, thinking about it, is that real and to show your real side, to show your flaws, you know, and to show that you are vulnerable, is also very attractive and very important also. And everything perfect, no, is not always appealing. Right. I feel like that, you know, and some imperfections are also good. Yes. Imperfections are, like, I've heard so many poetic renditions on this, or you know, so many I would say authors and philosophers talking about imperfections which make you look unique and different. So I think that is also important. That is something which society has started accepting. And right, it's a breath of fresh air. सो मानिक, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या चीज़ें एक मेकअप आर्टिस्ट को ध्यान रखनी, बेसिक एटिकेट्स क्या हैं जिस टाइम पे हम क्लाइंट्स को यू नो मेकअप करने जा रहे हैं या हम उनसे डील कर रहे हैं, तो क्या एक मेकअप आर्टिस्ट को कौन सी बेसिक चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए, बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं, वो प्लीज़ आप बताइए हमें. ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन समीक्षा, बिकॉज है तो बहुत छोटी छोटी बातें बट इम्पैक्ट डालती है बहुत ज़्यादा. आपने बिल्कुल ठीक बोला. सबसे बड़ी बात, being punctual. Yes. Because मैंने बहुत बार देखा है, in fact आपने, we were talking backstage about Kiara Advani, and I remember कि Kiara could not be there on her wedding because on time. Because she was still busy with her makeup and things like that, and she missed out a big chunk of her wedding, and all the guests were waiting for her to arrive, but उनका makeup time पे नहीं हो पाया था. Some I think that thing came out in the media. So first thing, be on time. Be on time. Make sure, and अगर कुछ unforeseen reason ki wajah se aapko late ho gaya, to make sure you cover up for that time when you're putting makeup on your bride, because timings is very, very important, especially in weddings, because it's not just one person, there are hundreds of people waiting for the bride to arrive, and function cannot proceed aage jab tak ki bride nahi aa jati. Right. So makeup artist pe bahut badi responsibility hoti hai to be on time, and usme aap apna prep time ko beech mein lekar chaliye ki aapko jaake setup bhi karna padega, station lagana hai, skin prep karna hai. Exactly. Skin prep karna bahut important hai. Then I think how you deal with your before you start dealing with your client, one thing that maine bahut commonly dekhi hai wo ye hai ki hygiene issues hote hain. Yes. And you know, not with, obviously, I'm sure the groomed makeup artists are very careful about that. It generally hota hai. But jo nye makeup artists bante hain, ya I would say, kai baar bahut
एस्टैब्लिश्ड लोग भी अपनी बॉडी ओडर का ध्यान नहीं रखते. राइट राइट. इनफैक्ट मैं अभी भी बहुत अच्छे अच्छे सलॉन्स में भी जाती हूँ तो वहाँ पे स्टाफ जो होता है, बिकॉज एवरीबडीज बॉडी इज डिफरेंट एंड सम पीपल नीड मोर डिओडोरेंट देन अदर पीपल. यस. एंड लाइक यू नो इन एटिकेट इंडस्ट्री वी से दैट पीपल हु नीड अ डिओडोरेंट never use it. yes, yes, yes. Because wohi log nahi use karte. They right. don't realize that they have a strong body right. odor. And when you're working so closely correct. with a person. Because and this profession is like that. You have so you to go very smell close. Fresh. Yes, yes. Definitely look fresh. Right. Look presentable as a makeup artist. Right. Aap backstage ho, lekin aap ek apni ek, you know, you have an identity. Right. And do justice to your profession by being. If you are a makeup artist, it doesn't mean that you have to look shabby yourself or you right. can be casual with your. Right. आपने तो दूसरे को खुश करना है, सुंदर बनाना है. सुंदर बनाना है, लेकिन आपको खुद भी presentable होना बहुत जरूरी है. क्योंकि client ये सबसे पहले देखता है कि you know like मतलब ये किस तरीके से ready है, इन्हें हमें better बनाना है, ये किस तरीके से ready है. So hygiene on point, your grooming on point, your time on point, and then handling your client. Don't probe the bride or the relatives. अच्छा आपके कितने बहन भाई हैं, आपकी ये वेडिंग हो रही है, ग्रूम कहाँ से है. नो, बी प्रोफेशनल, दैट्स नॉट योर जॉब. यू देयर फॉर मेकअप, डू योर मेकअप एंड डू नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चंस. अगर आपके साथ क्लाइंट एंगेज कर रहा है कि मैं जैसे आपने पहले बोला कि पर्सनल बातें डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी एज अ प्रोफेशनल आई वुड सजेस्ट दैट कीप इट टू बेयर मिनिमम. आप हाँ हम ऐसे कीजिए और थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट करिए. डू नॉट स्टार्ट ऑफ राइट, मतलब उनकी कॉन्वर्सेशन के साथ आप मत शुरू हो जाइए. बिकॉज सी इट डजंट लुक, इट डजंट लुक एथिकल. आई वुड से इट डजंट लुक प्रोफेशनल. आई वुड जस्ट से दैट कीप टू योर वर्क. आप वहाँ पे मेकअप के लिए हैं, आपको मेकअप से रिलेटेड चाहे आप जितनी मर्जी बात कीजिए, लेकिन पर्सनली पर्सनल बातें हाँ. और अगर ब्राइड भी कर रही है तो उसको आप सिर्फ बहुत अच्छे से हियर हर आउट, उसको सुने, उसके साथ थोड़ा बहुत इंगेज करें, लेकिन क्वेश्चंस करके उसको प्रोब ना करें आगे, और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस ना पूछें. डोंट डेल्व डीपर इनटू इट, जस्ट कीप इट नाइस सिंपल ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन एंड स्टे प्रोफेशनल इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड. स्टे प्रोफेशनल. पेमेंट्स में भी मेकअप आर्टिस्ट को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. पहले क्या होता था कि आपने वर्बली बात कर ली और आपने फ़ोन पे बुकिंग कर दी, हाँ जी मैम हो गया है. कई बार एंड जिस दिन हमारा मेकअप रहता है क्लाइंट का, वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, किसी और को क्लाइंट को बुक किसी और मेकअप आर्टिस्ट को बुक करवा लेता है क्लाइंट. पेमेंट नहीं करते हैं टाइम से एंड दे लाइक कर देंगे, हम कहीं भागे थोड़े ना जा, ये बहुत आता है, हम भागे थोड़े ना जा रहे हैं मैम, हम यहीं हैं मैम. तो ये किस तरीके से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो और यू नो किस तरीके से हम इसे प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम ना आए और पेमेंट उनकी टाइम से क्लियर हो जाए. सो या इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये प्रॉब्लम आता है. इसका एक सिंपल सा जवाब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. मतलब ये कि आपकी वो सिचुएशन आए ना कि आपको क्लाइंट के पीछे भागना पड़े, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड नाउ. इट्स नॉट कि किसी ने आपको रिलेटिव की तरह बोल दिया आप आके मेकअप कर देना और लास्ट मिनट पे किसी और को ले लिया. इट्स नॉट, इट्स लाइक एनी अदर प्रोफेशन. सो इट्स बेटर टू हैव थिंग्स इन रिटन डाउन एज पर रूल्स एंड एज पर प्रोटोकॉल. आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप क्या चार्जेस लेंगे और आपको कब तक पेमेंट चाहिए और कितने परसेंट आप एडवांस लेंगे और कितने परसेंट आप बैलेंस लेंगे. ये सब कुछ पहले से ही, द डे the client does the booking with you, you make the client sign on that paper for right. or the email or whatever, it has to be done in writing. I think what you can do, kahin pe aise, I think jab function start ho jaye us waqt pe paise mangne jana is a very big problem, because aapke client ko bhi bahut uncomfortable feel hoga, because wo already under a lot of pressure right, and anxiety right, hote hain right. ki unke functions start. Kai bar Google pe kaam nahi kar raha hota, cash nahi pada hota, papa ke karenge, mummy aake karegi. To aap, I guess makeup shuru hone se pehle, so I think personally that it can be 80-20. Aapko agar 80% payment aa jayegi to aap as a makeup artist bahut relaxed rehte ho ki aapki 20% payment rehti hai, aur usme aap agar kisi ko aapko lagta hai thoda sa problem ho sakta hai to you can give an option of
EMI payments also, where you charge a little extra and you take the payment, the 20% payment in EMIs, ताकि उनकी शादी भी निपट जाए, सब कुछ हो जाए, और उसके बाद वो आराम से पेमेंट कर सकें, इस और आपका भी नुकसान ना हो, because you're charging a little extra. If one time payment करेंगे 20% की, soon after the wedding, then well and good. If they don't, then you, it all has to be written down as terms and conditions. And जब आप उनको sign up करते हो as a client, आप उनको ये सब समझाएंगे. And only when they agree to this, then you only go ahead. Proceed. Do not go unprofessionally कि word of mouth से बात हो गई या you know WhatsApp on word बात हो गई. Not verbally, never verbally. It's not done verbally. It is a professional. Right. It has to be done professionally. Yes. Yes. Manik, what's your take? Do you really think that makeup artist should be vocal on social media platform? So, I क्योंकि कई बार जैसे हम बोल देते हैं क्लाइंट को लगता है रूड है ये मेकअप आर्टिस्ट रूड है तो किस तरीके से हम लोग अपनी बात भी रखें और क्लाइंट को यू नो फील भी ना हो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज यू हैव द राइट to kind of address the problems that you are facing as a makeup artist, आपके पास वो right है लेकिन आपको बहुत careful होना है because आज आप X लोगों के बारे में बात कर रहे हो जो लोग आपको देख रहे हैं वो कहेंगे maybe you know tomorrow what if I'm not going to sign up with her, कल को अगर वो मेरे बारे में कोई point निकाल के बोल दे तो I don't think a social media is not the right place to pinpoint on these things in a manner that you know it becomes very direct. Yes, as a makeup artist, आप ऐसा कुछ डाल सकते हैं जैसे 5 problems that we makeup artists face. जिसमें आप बोल सकते हैं कि the bill not getting settled on time, or the bride arriving too late, or whatever problems that you face, you know, and not being treated well at the venue, not being asked for food. A lot of times, you know, people don't realize that professionals need to be asked about food and water and their comfort. Right. ये चीज भी basic, ये basic you know etiquette है from the client side. वो भी आपकी बात and बहुत से makeup artists ये problem face करते हैं. So आप इन चीजों को एक generalized way में अपने platform की तरह के through बोल सकते हैं. लेकिन pinpoint करके नहीं. Not pinpointing that last month I went for a wedding और उन्होंने ऐसे किया वैसे किया. I think that's not a dignified way. Just keep it a little general and get the message across. Thank you so much, Manik. Thank you for having me, Sameeksha. It was a pleasure talking to you. Same here. Bahut acha laga aapse baat. Same here, Manik.